मित्रों अगला क्वेश्चन है, तीन अंकों की कितनी संख्याएं छह से पूर्णतया विभक्त होती हैं? तो सबसे पहले मित्रों सबसे पहले जो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर है 100, क्या ये 6 से विभक्त है? 6 से विभक्त है? नहीं। तो 6 से विभक्त होने वाली संख्या जो होगी वो हमें पता करना पड़ेगा। तो हम इसका पता कैसे करेंगे? तो देखिए, आप 6 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 6 का 6 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
आपको अगर ये पता है कि सबसे पहली संख्या जो 6 से विभाज्य है तीन अंक की, वो आपकी 102 होगी। 100 कौन सी होगी? 102। उसके बाद जो संख्या होगी वो उसमें आप 6 जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगी 108, है ना। उसके बाद 108, 6, 14 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या आती है 9, 9, 9। अब इसमें हम ये क्या 6 से पूरा विभाज्य है तो हम इसका पता करेंगे। 9, 9, 9 को हम इससे 6 से भाग देंगे तो 6 बच गया 3, 9, 6 × 36 बच गया 3, 6 × 36 बच गया 3। तो मित्रों अब हमें ये पता लग गया कि 999 छः से विभाज्य नहीं है। अगर हम 999 में 3 घटा दें तो, क्योंकि 3 शेष बच जाता है, तो ये हो जाएगा 996। 996 ये जो अंतिम संख्या 3 अंक की है जो 6 से विभाज्य है। सारी संख्याएं आपकी 6 से विभाज्य। अब देखिए ये आपको मित्रों ये एक एपी बन गया। क्या मिल गया? ये आपको एपी मिल गया जो समांतर श्रेणी आपने पढ़ा है। तो समांतर श्रेणी, तो इसमें पहला पद है आपका ए जो है 102 है और डी आपका है 6 और अंतिम पद है आपका जो TN कहलाता है वो है 996। तो हमें पता करना है कि ये कितने पद हैं। तो TN का फार्मूला यूज़ करेंगे मित्रों। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी और ये आपका हो जाएगा TN बराबर है 996 बराबर हो जाएगा A कितना है आपका 102 प्लस N आपको पता नहीं है, N का पता करना है, N माइनस 1 इंटू डी आपका है 6। तो क्या हो जाएगा? तो ये इसका हल करेंगे मित्रों और जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 996 माइनस 102 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। तो 996 में 102 जब घटाएंगे मित्रों तो 6 में से 4 गया, 2 गया 4, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे 894। तो आपको आ गया n माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो गया 800
94। सो 94, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 894/6। तो ये हो जाएगा 6×6 3×9 6×6=36 3×6=36। तो ये 166 आ गया, n माइनस 1 बराबर आया मित्रों 166, इसलिए n बराबर हो जाएगा 166 + 1 = 167। तो 167 संख्याएं हैं 103 अंकों की जो 6 से विभाज्य होंगे। तो आपका आंसर कितना होगा मित्रों? तो आपका आंसर होगा 1167। आप देखिए इसका आंसर होगा 167। तो 167 जो है आपका 6×6=36 3×6=36 हाँ, तो 167 आ रहा है 894। तो जब हम n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 894/6, तो 894 को आप 6 से भाग दे दो, 6×6=2, ये हो जाएगा 6×6=24 5×5=54। तो ये आ गया आपका n माइनस 1 बराबर आ गया मित्रों आपका 1449। इसलिए n बराबर होगा 149+1 बराबर हो जाएगा 150। इसलिए इसका मान होगा जो आपका सही उत्तर होगा मित्रों ये होगा 150। आपको इसको सुधार लीजिएगा ध्यान से, तो 150 इसका आंसर होगा 150।